नमस्कार ખેડૂત મિત્રો, ઓનલી ખેડૂત હેલ્પમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 5 નવેમ્બર 2021। પહેલાં તો આપ સૌને નવા વર્ષના રામ રામ, નવા વર્ષની શુભકામનાઓ, હેપી ન્યૂ યર। આવતું આ નવું વર્ષ આજથી આપનું સારું રહે, ખેડૂતો માટે, સમગ્ર લોકો માટે। વાતાવરણીય રીતે જોઈએ તો કોઈ મોટા બદલાવ ન આવે અને તમામ લોકો માટે ફળદાયી નીવડે, લાભદાયી નીવડે તેવી शुभकामनाओं साथे आज आजना वीडियो में बात करीशू। तो अरबी समुद्र में जे लो प्रेशर सीस्टम सक्रिय थी है, जेना परिणामे आगाही करवामां आवी हती कि 8 नवेम्बर, 9 नवेम्बर और 10 नवेम्बर में गुजरातना केटलाक, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरातना विस्तारों में भारे वरसाद पड़ी शके छे। तो आ आगाहीना पगले पण थोड़ा खुशीना समाचार जोवा मळी रह्या छे। अरबी समुद्र में आ लो प्रेशर सीस्टम नबळी पड़ी जशे तेवुं अनुमान लगावी रह्या छे। तो आ अरबी समुद्रनी सीस्टम नबळी पड़ी जशे तो गुजरात पर केटला टका असर थशे, केटलो वरसाद पड़शे, संपूर्ण माहिती आपणे मेळवीए। आगळ आपणे जोईए कि आ सीस्टम कई रीते आगळ वधशे। तो आ रीते सीस्टमनो ट्रेक छे ते गुजरात तरफ 7 तारीख में असर करशे। सौराष्ट्रना केटलाक जिल्लाओमां वादळछायुं वातावरण रहेशे अने वरसादी झापटा पड़ी शके छे। महाराष्ट्रना केटलाक विस्तारोमां भारे वरसाद पड़ी शके छे। केरल, कर्नाटक जेवा दक्षिण गुजरातना मोटा भागना विस्तारोमां वरसादी माहोल जोवा मळशे। गुजरातना एवा महत्वना समाचार छे के आ सिस्टम 9 तारीख में संपूर्ण रीते नबळी पड़वानी शरूआत थई शके छे, पण आगामी समय में एवुं तो कहेवुं भूल भरेलुं छे के आ सिस्टम गुजरात ने असर नहीं करे, कारण के तेनो ट्रेक बदलाई शके तो गुजरात में लो प्रेशर सर्जाय अने वरसादी माहोल सर्जाई शके छे। आ सिस्टम पाकिस्तान तरफ, ओमान तरफ फंटाई जवानी पण पूरी शक्यताओ अत्यारे हवामान विभाग द्वारा करवामां आवेली छे, जेना पगले गुजरात माटे राहतना समाचार कही शकाय। के बीजी बाजू बंगाळानी खाड़ी में जे लो प्रेशर सीस्टम सक्रिय थई छे, जेना परिणामे दक्षिण भारतना मोटा भागना विस्तारोमां वरसादी वातावरण, भारे वरसाद जोवा मळशे तेनी पण हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवेली छे। के आजे समग्र गुजरातना विस्तारोमां आंशिक वादळछायुं वातावरण रही शके छे। आगळ आपणे जोवानुं छे के वादळछायुं वातावरण केवुं रहेशे। तो आगामी 6 तारीख में पण गुजरातना सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात में अने कच्छ में संपूर्ण वादळछायुं वातावरण आंशिक रीते रही शके छे। अने आगामी 7 तारीख, 8 तारीख अने 9 नवेम्बर सुधी में समग्र गुजरात में संपूर्ण वादळछायुं वातावरण सर्जाई शके छे। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरातना केटलाक विस्तारोमां हळवो वरसाद पण थई शके छे। तो हवामान विभाग द्वारा 70% हवामानमां भेजनुं प्रमाण 7, 8 अने 9 तारीख में रहेशे अने 8, 9 तारीख में 90% सुधी भेजनुं प्रमाण जाय तेवी शक्यताओ पण रहेली छे। ज्यां आ सिस्टम सक्रिय थई छे त्यां पवननी झडप 50 किलोमीटर प्रति कलाक सुधीनी रहेशे अने गुजरातना आजूबाजूना विस्तारोमां 25 किलोमीटर प्रति कलाकनी रहेशे, दरिया किनाराना विस्तारोमां अने दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्रना तमाम विस्तारोमां। अत्यारे हाल अरबी समुद्रनुं जे लो प्रेशर छे ते अत्यारे खेडूतो माटे चिंतानो विषय छे, कारण के खेतीमां मगफळी, कपास जेवा पाको तैयार होय अने डुंगळीनुं वावेतर करवानुं होय तो पड़ा तैयार करेला होय तो खेडूतोए खास तकेदारी राखवी, पोताना खेती कार्यो बने तो जल्दी पतावी लेवा। मजूरों द्वारा अथवा तो घर मेहनत द्वारा पण कपास, मगफळीना पाकोमां नुकसान न थाय तेनी तकेदारी थोड़ी घणी राखी शकाय छे। बाकी तो कुदरत पर आधारित छे। तो बस, फरी वखत मळशुं नवा वीडियो साथे, नवी माहिती साथे। त्यां सुधी मने रजा आपशो। जय जवान, जय किसान।